हेमकुंट साहब की यात्रा के लिए 22 मई को पावन स्थान के कपाट खुलणगे। उस तो पहला भी वड्डी तादाद के विच सिख संगतां जिहड़ियां ने उह पहुंच रही ने। ऋषिकेश तो कल सिख संगतां का पहला जथा भी रवाना हो चुका है, पर जिन्हां संगतां दे विच उत्साह है वह पहला ही काफ़ी जिहड़ियां संगतां ने वह जथियां दे रूप दे विच, क्योंकि जिहड़े उत्थे गुरधाम ने उन्हां दी सांभ संभाल ते साफ सफाई दे लई पहला ही जथे जिहड़े ने उह रवाना हो के वापस परत रहे ने। ज्ञानी निशान सिंह जी साडे नाल ने ते दर्शन दे दायरे करके वापस परते ने। सो ज्ञानी जी, कल जथा जिहड़ा रवाना होगा पहला जत्था ते परसों कपाट खुलणगे, तुसी उपर दर्शन दे दायरे करके आ रहे हो, जिहड़ी सेवा संभाल करके आ रहे हो, ते उपर दा माहौल किहो जिहा है, ते खास तौर ते संगतां ते इक खास गल इह रहिंदी है कि बर्फ किहो जिही है तां रस्ते साफ ने, उहदे बारे जरूर संगतां नूं जिहड़ा दस्सिया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब ने कृपा की तकरीबन 8-10 दिनों तो वख वखरे जथे जेड़े हर साल सेवा वास्ते आते हैं, उन्होंने यूनाइटेड सिक्स तो कुछ दिल्ली तो संगत आई, लुधियाने तो आई, अमृतसर साहब तो आई, उन्होंने जो जो कार्ज वखो वखरे सौंपे गए हैं वो अपन सेवावान इतने घाट से फिर धाम से फिर उपर हेमकुंड साहब निभा रहे हैं। खुशी की गल है कि तकरीबन सेवावान जीडिया सारिया निभ चुकी हैं, पूरी तैयारी है। परसों 22 तरीक है, संगत का उत्साह देखने ही योग है। जितों तक रस्तिया की गल है, रस्ता तकरीबन सेम ही है इतों धाम वाल जिदा पहला हों, दो चार थावान तो टुटा सी, उसकी रिपेयर काफ़ी तेज तेजी नाल चल रही है। तो जिहड़ा अगे है धाम तो अपना हेमकुंड साहब का वो रस्ता वधिया है, और बर्फ जिहड़ी इस बार बिल्कुल नहीं है, जिहड़ी कि संगत लई खुशी की गल है। ग्लेशियर बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू पहला जिहड़े हुंदे हन। तो जिहड़ा सरोवर है जिहड़ी हेमकुंड साहब वाली झील है उस दे विच बर्फ सिर्फ असी थोड़ी जी देखी है, सारा जिहड़ा वो जल पवित्र है। सिंघां ने इशनान पान भी किए उत्थे, ते जिस दिन असी गए सीगे उत्थे सेवा करन उदों थोड़ी बर्फ पई सी, पर जदों आप जी जिवें जाओगे मौसम साफ है, कोई बर्फ नहीं मिलेगी रस्ते विच। ज्ञानी जी, इवें तुसीं दस्सिया कि सेवा संभाल जथे जिहड़े वखो वखरे आए ने, ते गुरुद्वारा साहब दे विच संगतां नूं जिदां जी होया आखण लई महाराज दा परसों प्रकाश होवेगा, कपाट खोलणगे, तैयारी किहो जी है, उपर मुकम्मल हो गई है सारी? हाँ जी, तुसीं आप इमेजिन करो भी इह स्थान लंबा समा बंद रहिंदे हन, उस तो बाद संगतां हुंदियां हन, भावें कि इन्हां एरिया विच डस्ट ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी सेवा संभाल की लोड़ हुंदी है। हर चीज़ नूं धुप लवाउणी हुंदी है, फिर विछाई करनी हुंदी है, जिवें कि धाम साहिब ते गुरु साहिब जी का प्रकाश ऑलरेडी हो चुका है, पूरी सफाई हो के अज भी तुसीं जाओगे तो पूरी सजावट हो चुकी है संगत नूं जियो आया आखण वास्ते। इदां ही हेमकुंड साहिब नवे मैट सारी नवी विछाई ते जिहड़ी सजावट का काम हुंदा है, क्योंकि कलगीधर पिता जी का स्थान है ते इहदी शानो शौकत भी निराली होनी चाहिए है। देखो, एक तो हुंदा है अखां नाल देखना गुरु की शान नूं, एक हुंदा है उसनूं अपने हिरदे नाल महसूस करना गुरबाणी थ्रू, ते सिख नूं दोवें पक्ष ही जरूरी हन, ते जदों सिख आवे उदों भी अपने गुरु दे इह अली शान जिहड़ी शानो शौकत नूं वेख के वाहिगुरू कह उठे, ते फिर जो गुरबाणी पढ़े उदों भी फिर अपने गुरु दे औगणा उदों भी अपने गुरु साहिब जी दे गुणा नूं याद करके ते फिर वाहिगुरू कह उठे। ਯਾਨੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਮੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2013 ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਫੀਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
सारी जी मैटिंग करके वो वापस परत रहे हैं। तो साड़ी भी संगतान अपील है कि वो तो वर्शन दीदारे करने के लिए हेमकुंड साहब विखे जरा जरूर पहुँचो।